अस्सलामुअलैकुम। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है तकरीबन 5:04। तो इस टाइम पे मेरी आँख खुली और मैंने माशाल्लाह 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 मैंने 5 टाइम की नमाज़ स्टार्ट कर दी है। उससे अल्लाह पाक ने बरकत दी कि मेरा भी जो है काम, जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ से मैंने रिज़ाइन दे दिया था। फिर मैं जॉब की वजह से बड़ी टेंशन में था, तो अल्लाह पाक ने मुझे टेंशन से दूर कर दिया। मेरी माशाल्लाह जॉब का भी हो गया है और ऐसा है कि बस अभी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। सुबह सुबह उठे हैं तो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, अभी कज़न को उठाना है। वो साहब सो रहे थे, मैंने अभी कॉल करी उसको कि भाई उठ जा नमाज़ पढ़ ले। तो बस उसकी तरफ जाएंगे, उससे उसको उठा के फिर नमाज़ पढ़ के फिर देखते हैं क्या करना है। ओके बाय बाय। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं नमाज़ के फ़ौरन बाद अपना सीन बना के वॉक का, तो ऐसा है कि मैं भाई की बाइक पे आया हूँ, पीछे खड़ी हुई है मेरी बाइक, गई हुई है। तो ये है जेम खाना ग्राउंड, ग्रास वगैरह, और बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, बहुत मज़ा आने वाला है वॉक करने में फुल। सीन कुछ ऐसा है कि बस हम वॉक से आए, तो कुछ पेट पूजा भी बनती है, तो हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए सबसे फेमस लांडी के, सबसे फेमस हलीम पराठा और सबसे सस्ता। नमाज़ का टाइम हो रहा है, बस अभी अभी उठा हूँ मैं, फ्रेश होता हूँ, शेव वेव बनानी है। यार देख रहे हैं क्या हाल चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से सब नाई वगैरह बंद है। मैंने भी पहले अभी कुछ टाइम पहले हेयर कटिंग करवाई है, जो कि बहुत मुश्किल से करवाई है। आपको पता है लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, तो ऐसा है कि अब जाके रेडी होता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कुछ ऐसे हैं कि भाई मैं अभी जा रहा हूँ रोटी लेने के लिए, अभी का सीन ऐसा है कि मैं रोटी लेकर आ गया हूँ और उसके साथ मैंने खाने कबाब, जो कि मेरे फेवरेट हैं, तो उसके साथ मिल्क शेक बनाने का। तो चलते हैं फिर खाने के बाद बात करते हैं। बाय बाय। मूड हो रहा है लेस खाने का, तो चलते हैं फिर लेस लेकर आते हैं, देखते हैं कौन सी शॉप खुली हुई है, कौन सा मार्ट खुला हुआ है, तो चलते हैं फिर। ओके। तो यहाँ तो किसी भी शॉप में नहीं मिले, हर जगह घूम कर गए आ गए हम लोग, अब इतना फार हो गया। अब यहाँ पे एक मार्ट है, उस मार्ट में जाके चेक करेंगे, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, चलते हैं फिर मार्ट। इतना हमारे साथ फाउल हो चुका है, तो सीन कुछ ऐसे कि यहाँ पे लेस नहीं है, इधर भी नहीं है, अब देखते हैं कहीं और। मैंने कहा था हमारे साथ प्रैंक हो चुका है कि हमें जो लेने के लिए आया था वो हमें मिला नहीं, तो अब दूसरी कोई शॉप पे देखेंगे, कोई बड़ा स्टोर हो उस स्टोर पे देखेंगे कि हमें मिलता है कि नहीं। आज बड़ा दिल कर रहा था हमारे लिए, मुझे मेरा लेस खाने का, तुम्हारे भाई का, तो अब कहीं और चेक करते हैं, चलते हैं। तो गाइस अभी दूसरे मार्ट आए, वहाँ फाइनली लेस मिल चुका है। लॉकडाउन ने इतना कुछ कर चुका है कि मोबाइल मार्केट वाले भी बेचारे ठेलों पे आ चुके हैं। तो मेरे एक कज़न ने कुछ अपना मोबाइल का कवर लेना है, तो उनको कवर दिलाने के लिए आए, तो कवर लेते हैं फिर चलते हैं घर। कुछ बच्चों ने, आपको पता है मुहर्रम आ रहे हैं, तो कुछ बच्चों ने सबील लगाई है और कुछ बच्चे फ्री फायर में चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। चलें फिर आपको दिखाते हैं बच्चों की मेहनत, माशाल्लाह बच्चों ने इतनी मेहनत करी, आप खुद बोलोगे, आप खुद अप्रिशिएट करोगे, तो जाहिर सी बात है बंदा अप्रिशिएट करता है तो बच्चा फिर आगे बढ़ती है। हमारे मौजम भाई जिनको फ्री फायर का बड़ा शौक है,
और हर टाइम बस फ्री फायर फ्री फायर फ्री फायर ओनली फ्री फायर। और हमारे एक और दोस्त जो हैं, छोटे से दोस्त जो हैं, वो हमारे सामने बैठे हुए, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्त का मैंने बात करी थी, वो दोस्त ये मेरे साथ बैठे हुए, बहुत छोटे से दोस्त हैं मेरे, इनको टिकटॉक बनाने का बड़ा शौक है। तो आप अपनी आईडी का नाम बताएं। अभी टिकटॉक है, अभी टिकटॉक है। आज इन बच्चों की मेहनत चेक करें, सफाई भी खुद कर रहे हैं।